इंदौर से बड़ी खबर, इंदौर में बच्चों का हैवान गिरफ्तार, सिरफिरा हलवाई इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आया, कई मासूम बच्चों से कर चुका है दुष्कर्म। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, पुलिस ने इनाम घोषित किया था इस पर, जिसे अब पकड़ लिया गया है। तो कई मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म कर चुका है ये आरोपी। ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर बच्चों का हैवान गिरफ्तार कर लिया गया है, सिरफिरा हलवाई इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, कई मासूम बच्चों से दुष्कर्म कर चुका है। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर इस आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने इस पर इनाम घोषित भी किया था, कई बच्चे के साथ दुष्कर्म का आरोप है। इंदौर से खबर, जहां पर बच्चों का हैवान गिरफ्तार हो गया है, सिरफिरा हलवाई इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आया है, पुलिस ने इस पर इनाम भी घोषित किया था, कई मासूम बच्चों से दुष्कर्म कर चुका है, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने इस पर इनाम घोषित किया था और फिलहाल अब इस आरोपी को पकड़ लिया गया है, बच्चों का यह हैवान गिरफ्तार कर लिया गया है, सिरफिरा हलवाई इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आया, जिस पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है, कई मासूम बच्चों से दुष्कर्म कर चुका है, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस ने इस पर इनाम घोषित किया था, कई मासूमों से ये दुष्कर्म कर चुका है, फिलहाल पुलिस अब इसे गिरफ्तार कर चुकी है, बच्चों का यह हैवान जिसे गिरफ्तार किया गया है, सिरफिरा हलवाई है ये, जिसे इंदौर पुलिस ने पकड़ा है, कई मासूम बच्चों से दुष्कर्म का आरोप है, इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इंदौर से खबर, जहां पर पुलिस ने इस आरोपी पर इनाम भी घोषित किया था, जिसे अब पकड़ लिया गया है, कई बच्चों को अपना शिकार ये बना चुका है, फिलहाल पुलिस ने इसे पकड़ लिया है, आगे की पूछताछ की जा रही है, सिरफिरा हलवाई है ये, जिसे इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कई मासूमों से दुष्कर्म ये कर चुका है, पॉक्सो एक्ट के तहत अब कार्रवाई की जा रही है, पुलिस ने इस पर इनाम भी घोषित किया था, ये बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, इसे पकड़ लिया गया है, कई बच्चों को इसने अपना शिकार बनाया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मिथिलेश से। मिथिलेश, कौन है ये आरोपी? देखिए, चंदनगर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है और ये पिछले 3 से 4 महीनों से फरार था, अलग अलग टीमें इसका पता लगाने में जुटी हुई थी कि आखिर इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि ये बड़ा साथी बदमाश है, बार बार अपनी लोकेशन बदल लेता, लेकिन इसके वारदात को अंजाम देने का इसका तरीका एक जैसा हुआ करता था। ये बच्चों को बहला फुसला था, किसी बच्चों को जैसे दीपावली का त्यौहार था, पटाखा दिलाने के नाम पर ले जाकर, और उससे पहले जो बच्चे थे उन्हें ट्रॉफी या जो दूसरे बच्चों को जो फेवरेट चीज होती है वो दिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर अपनी बाइक पर ले जाता था, और सुनसान जगह पर देखकर उनके साथ में आकस्मिक यानी दुष्कर्म को अंजाम दिया करता था। फिलहाल आरोपी गिरफ्त में है, आरोपी पकड़ा जा चुका है। अभी तक जो पूछताछ में जानकारी सामने आई कि 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों को यह अब तक अपना शिकार बना चुका है, यानी इसके टारगेट हुआ करते थे मासूम बच्चे, ये अपनी हवस का शिकार मासूम बच्चों को बनाया करता था। एक मासूम बच्चा जो था उसने डर के बावजूद थाने पहुंचता है, चंदनगर थाने में 28 तारीख को उसने शिकायत किया था, उसके बाद से ही इसकी जो जांच पड़ताल की जा रही थी, पुलिस को जो जांच पर प्रारंभ जारी पता चला था कि हलवाई का काम करता है और अलग अलग वेंडर से जुड़ा हुआ है। फिलहाल जहां से इसकी गिरफ्तारी की गई है वो शेरपुर के पास से गिरफ्तारी की गई है, उस दिन भी किसी कार्यक्रम में हलवाई का काम करने के लिए जा रहा था, उसके पहले इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ की जा रही है कि और भी कितने मासूम बच्चों के साथ में इस तरीके की घटना बर्दाश्त किया जा चुका है, लेकिन गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 377 सहित पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। अब आने वाले समय में जांच के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं कि सिर्फ इंदौर की घटना उसने अंजाम दिया है कि आसपास के कई और जिलों में भी इस सारी घटना को अंजाम दिया, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या था, फैमिली हिस्ट्री क्या है, तमाम लोगों को लेकर अब जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इसने घटना को अंजाम दिया ये जरूर कहा जा सकता है कि सिरफिरा हलवाई है जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया करता है। जी धन्यवाद मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि